अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ साहिबा और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो आप मेरी जो फैक्टराइजेशन वाली वीडियो है वो भी देख सकते हैं, ऊपर कार्ड आ रहा होगा। अगर मेरी तरह आपको एक वीडियो से दूसरी वीडियो में घुसने का शौक नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो है हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, ये रही हमारी मिडिल टर्म, इसको कैसे ब्रेक करना है उसके लिए पहले हम ये जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट है नहीं, यानी कि वन है, तो इसे आप छोड़ दें, यही लें, दैट इज़ प्लस सिक्स। अगर कुछ होता तो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, साइन भी देखनी होगी। अब ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आए और प्लस सिक्स, और प्लस या माइनस करें तो माइनस फाइव आए। तो इसके आप फैक्टर्स निकालें, किस तरह से, वन से स्टार्ट करें, वन कितनी दफ़ा, सिक्स टाइम्स, वन सिक्स सा लग रहा है तो ये ऐसे पेयर बना लें। फिर वन के बाद क्या आता है, टू, टू का टेबल लग रहा है सिक्स को, यस, टू कितनी दफ़ा, थ्री दफ़ा बस। अब टू और थ्री के बीच में कोई नंबर नहीं है तो आपसे छोड़ दें, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब आपको दिख रहा होगा, अच्छा अब हम देंगे साइन, तो मैं दो नेगेटिव साइन लूँगी, तभी माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी और माइनस फाइव आ पाएगा। तो ये दिख रहा है कि आप माइनस टू और माइनस थ्री लेंगे क्योंकि तभी माइनस फाइव आ पाएगा। तो हम लेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, ये जो लिए हमने, और प्लस सिक्स ऐसे उतार के दे दें, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स जो है ब्रेक कर दिया है माइनस फाइव एक्स को, ठीक है। अब इसको पेयर बनाएं और x कॉमन निकालेंगे हम, x इन दोनों के साथ डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा x और ये 2, और यहाँ पर माइनस थ्री निकल रहा है तो माइनस थ्री दोनों से डिवाइड करें, यहाँ पर बचेगा x माइनस माइनस प्लस माइनस, थ्री टू ज़ा सिक्स और इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ब्रैकेट कॉमन कर लें, x माइनस टू और ये x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप x की वैल्यू निकालनी है हमें एक्चुअली में, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि इसको पूरी इक्वेशन को ज़ीरो कर दे। अगर आपने गेस कर लिया हो तो ऑलराइट, वरना हम रिटर्न में भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से करेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको अलग से दे दें और इसको अलग से दे दें ताकि x की वैल्यू निकल आए। अब इस इक्वेशन में हम टू जो है ऐड करेंगे तभी इस लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये कट गया और ये ज़ीरो प्लस टू हो जाएगा टू, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा टू। लेकिन मैं क्या करती हूँ, सिर्फ बच्चों को ऐसे कहती हूँ कि एक्स ये रहा और माइनस थ्री इस तरफ आ जाएगा, जब ये इस तरफ आएगा तो ये अपनी साइन चेंज कर लेगा, अगर नेगेटिव होगा तो प्लस में जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो ये थ्री प्लस हो गया, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री, ऐसे फिर जो है ना दिमाग नहीं लगता और बच्चे कन्फ्यूज़ नहीं होते, पर रियलिटी में ऐसा होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, दैट इज़ टू एंड थ्री, हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, यानी कि इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर टू रखेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा या फिर थ्री रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी इक्वेशन जो है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि इधर उधर वैल्यूज़ जो है नहीं हुई हुई, अगर इधर उधर हुई हुई होंगी तो हम जो है इसको ऑर्डर में ला के सही तरीके से इस तरह से लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म में। तो अब हमें वैसे ही करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट निकालेंगे तो सिक्स टेंस हो जाएगा हमारा सिक्सटी और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सिक्सटी हमारी प्रोडक्ट है। अब अच्छा, आप वैसे टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हो, ये बड़ी वैल्यू है, वन ऐसे करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, तो आप क्या करें, सिक्स के अलग से फैक्टर्स लें, टू थ्री ज़ा वन वाला नहीं लें, ठीक है। अब टेन के लें, वन वाला वो उसका भी टेन वाला, टेन के भी वन वाला छोड़ दे, टू फाइव ज़ा, ठीक है, अभी दूसरे इसके फैक्टर्स नहीं हैं। अब आप क्या करें,
इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं हो रहा तो फिर इसको इसके साथ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही हो गया, 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, ये आ रहा है कैसे, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट जो है नेगेटिव में लानी है, तो एक प्लस की साइन होगी और एक माइनस की, लेकिन यहाँ पर देखें कि आपको किसको प्लस देना चाहिए, बड़ी वैल्यू को प्लस देंगे तभी जो है पॉजिटिव में आंसर आएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता, नेगेटिव की साइन होती तो फिर हम यहाँ पर प्लस देते और यहाँ पर माइनस, ठीक है, तो ये आ गया। अब आप लिख लें यहाँ पर 6a² माइनस, ठीक है, माइनस टू यहाँ गया तो प्लस टू गया, प्लस टू और ज़ीरो कितना हो जाएगा, टू ही होगा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/3, सिंपल। इसको भी कर लिया, 2a = 5, a = 5/2, यानी कि यहाँ पर अगर 2/3 रखेंगे a की जगह पर तो ये ज़ीरो हो जाएगा, या फिर 5/2 रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो है 2/3 and 5/2, दो सॉल्यूशंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।